Wallywood's cocktail. में आपने भी बताया था कि आपका जो प्रोजेक्ट है बॉम्बे करके आप कुछ अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है जो कि 1992 के जो दंगे हुए थे मुंबई में उसकी पृष्ठभूमि पर है। वो एक लव स्टोरी है, एक हिंदू लड़के और एक मुसलमान लड़के के बीच में, और क्या कुछ दंगे होने के बाद उनके बीच का समीकरण कैसे बदल जाता है, परिवार वालों का दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है, सब का रवैया और व्यवहार कैसे बदल जाता है, वो उसकी कहानी है। लेकिन वही है कि आखिरकार मोहब्बत की जीत होती है, या मर के या जी के, लेकिन दुनिया की यही कोशिश रहती है कि किसी तरह से मोहब्बत को कुचल दिया जाए। बॉम्बे फिल्म का आपका नाम है तो बॉम्बे डाइंग नाम है, क्योंकि कई सारे लोगों को, कुछ खास करके पॉलिटिशियन को बॉम्बे वर्ड से बहुत ही प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं लगता कि ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जिस बॉम्बे में लोग बड़े हुए, जिसके अभी बॉम्बे हाई कोर्ट तो है ही, तो और बहुत सारे बॉम्बे अभी कई जगह लगे हुए हैं। ठीक है, आपने शहर का नाम बदल दिया, लेकिन प्रजातंत्र में ये तो सबको इख्तियार है कि वो मुंबई को बम्बई बोलना चाहे या बॉम्बे बोलना चाहे या कुछ भी बोलना चाहिए, वो उसका हक है जी। है एक शहर मर रहा है, एक शहर जो खूबसूरत था वो अब ख़त्म हो रहा है, उसकी एक कहानी, और क्यों ख़त्म हो रहा है, उसके हालात, उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, जो भी है, लेकिन शहर इंसान ही नहीं, शहर भी मरता है, देश भी मरता है, लोग मरते हैं, संस्कृति मरती है, समाज मरता है, तो ये कहानी सब उसी का एक ताना बाना है।